राजेंद्र गुड़ा इस वक्त मेरे साथ है। गुड़ा साहब क्या है? मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र, उनके बारे में लिखा हुआ है कि वैभव जी मेरे दोनों के आरसीए चुनाव खर्चे को लेकर चर्चा हुई कि भवानी सामोता जो सेक्रेटरी आरसीए में, भवानी सामोता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसे नहीं दे रहा। ये बताएं, ये लिखा हुआ किसके हाथ का है? राठौड़ साहब के, वो सारा का सारा चुनाव राठौड़ साहब ही देख रहे, धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़ देख रहे। पैसों का भी जिक्र है? हाँ है ना। अरे भाई, अब ये इसके अंदर ये लिखा साफ साफ है कि घर पर भवानी सामोता राजीव खन्ना आए, आरसीए चुनाव का हिसाब किया, आरसीए चुनाव का हिसाब किया, भवानी सामोता ने ज्यादातर लोगों से जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। तो मैंने कहा ये ठीक नहीं है, आप इसे पूरा करके। तब भवानी सामोता ने कहा मैं सीपी साहब से की जानकारी में डालता हूं, फिर आपको 31 जनवरी तक फाइनल बता दूंगा। अध्यक्ष जी विधानसभा के सीपी जोशी जी, वो दे रखा है आपको, मैंने बता दिया। सोबाग जी जो मुख्यमंत्री जी के ओएसटी हैं, पीएस टू सीएम को फोन कर कहा कि मेरा आरसीए का वाला हिसाब कर दो, जरूरत है। उन्होंने कहा मैं सीएम साहब से बात करके बताता हूँ। इससे तो ऐसा लगता है कि ऊपर से नीचे तक सारे लोग मुख्यमंत्री जी के बेटे। मैंने बता दिया, जो आप दिखाना चाह रहे हो ना पार्ट टू में डालते हैं। तू कब करने? यदि जेल में चला गया तो दूसरे तरीके से कोई मेरे विश्वसनीय लोग आएंगे। मेरी जनता तय करेगी, मेरे लोग तय करेंगे। अरे अब तो कर लेने दो यार। गुड़ा जी मेरे साथ है, राजेंद्र जी। लाल डायरी का खुलासा आपने किया है अभी तो, सारे भाई कितने नामों का आपने आरसीए का घोटाले का जिक्र किया आपने? आपके सामने है ना, मैंने कर दिया ना। कौन कौन से नाम सामने बोल दीजिए दोबारा से। सौभाग जी का मुख्यमंत्री के ओएसटी, उनका नाम है। खन्ना जी का नाम है। वैभव गहलोत का नाम आगे आगे क्या रहेगा आपको मैं बताता रहूंगा, आपके पास आता हूँ। तो ये थे राजेंद्र गुड़ा जी, जिन्होंने आज बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने ये कहा गहलोत की क्या भूमिका रही है इस लाल डायरी में। गहलोत जी तो वैभव गहलोत जी तो दूल्हे थे, दूल्हे थे, दूल्हे। ओएसडी साहब का क्या था रोल इसमें? वो उनका जो सिस्टम में काम कर रहे थे। पैसा कितना पैसा का ये रोटेशन था किसमें? मैं बताऊं।